एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत आपका शिक्षा कैंपस में। हमने एक ज्योग्राफी की सीरीज चला रखी है जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में 2017, 18 और 19 में अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हम रिवीजन करते हैं और अच्छे से आपको वो समझाते हैं और ये चेक करते हैं कि आप उस टेस्ट में कितना नंबर लेते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड की तरफ। जून 2017 तक भारत में कितने राज्य हैं या कितने राज्य थे, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। क्या आंसर आएगा? डी, यानी कितने राज्य थे? 29। ठीक है, कितने राज्य हो जाएंगे? 29। ठीक है, और अगर अब पूछे तो आपको पता है कितने राज्य हो चुके हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो चुके हैं? 9, जब से धारा 370 हटी है। ठीक है, भारत के उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियां से बने हैं जो सिंधु, गंगा और डैश हैं, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर क्या आएगा? ये ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उत्तरी नदियां हैं और सबसे बड़ी नदियां भारत की, आपको पता है। भारत की सतल सीमा रेखा लगभग 10 किलोमीटर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, 15,200। ठीक है, 15,200 किलोमीटर के कितने हैं सतल सीमा है। ठीक है, तटीय पूछे तो इसमें से कितनी है? 7,516 किलोमीटर। कितनी है? 7,516 किलोमीटर तटीय है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, सतलुज। ठीक है, सतलुज नदी कहाँ जाती है? पाकिस्तान। और ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। ठीक है, और भारत में शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला दर्रा से क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और अन्य चार नदी आपको पता होगा, सिंधु, झेलम, चेनाब और व्यास। पटकोई पहाड़ियां किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है, बताइए। चार ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? बी, पूर्वांचल। ठीक है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को डैश कहते हैं, जल्दी बताइए। इसे क्या बोलेंगे? पारितंत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? पारितंत्र। ठीक है, नेक्स्ट। तिस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच आने वाली हिमालय के भाग को डैश कहा जाता है, तिस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या हिमालय कहा जाता है, बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर क्या आ जाएगा? आसाम। ठीक है, आसाम हिमालय। ठीक है, और दिहांग नदी कहाँ पर है? असम में बहती है। ठीक है, एक आकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं जबकि उष्ण कटिबंधीय में लगभग 10% वन नष्ट हो गए हैं, बताइए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, कितना? 40%। ठीक है, जून 2017 भारत में कितने राज्य थे, ये आपको पता है? ये गलत क्वेश्चन आ गया, सॉरी। भारत का उत्तरी मैदान डैश से बना है, बताइए। चार ऑप्शन, इसका आंसर क्या आ जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यानी भारत का उत्तरी मैदान किसे बना? जलोढ़ मिट्टी से। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करना प्लीज, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर जो नया वीडियो हो आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।